السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. بقرة الله <لا> ذلول. تصير العرض ولا تسق الْحَرْفِ مسلمة لا فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون तुल्ला बका काफ को अदा किया मैंने मोटा अदा किया रॉ को पुर अदा किया मोटा अदा किया ता, कि, ता को लाम से मिलाया तुल्ला लाम को दो मरतबा अदा किया फिर लाप अलिफ मद्दा बनाया एक अलिफ़ यानी दो हरक़त के बराबर खींच कर पढ़ा रा को नरमी से अदा किया पे पेवा मद्दा बनाया क्योंकि पूरे कुरान पाक में तीन जगह पे मद होते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा तो यहाँ वाव मद्दा हो रहा है तो इसको दो एक अलफ़ यानी दो हरक़त के बराबर खींच कर पढ़ेंगे लू ये तनवीन के बाद हरूफ़ एकफ़ा में से ता आ रहा है तो यहाँ पर एकफ़ा करेंगे दो जबरों को दो ज़ेरों को दो पेशों को तनवीन कहते हैं तो इन तनवीन या नून साकिन के बाद कोई भी हरूफ आ जाए हरूफ एक में से तो एक करेंगे तो हरूफ एक पंद्रह हैं ताजी ता दाल सीन शीन शीन तो स्वाद या मद्दा बनाया मैंने सी को नरमी सा को नरमी से अदा किया तो रोल और पूरा अदा किया और रा को लाम से मिलाया और रा, रा को मैंने पूरा अदा किया दो को मैंने पूरी यानी मोटा अदा किया व ल वाह को मुँह गोल करके अदा किया मैंने व ल मद्दा बनाया तस कोइल कौफ को मैंने मोटा पढ़ा हॉर और आ को मैंने मोटा पढ़ा हॉर्स यहाँ पे मैंने वक्फ कर दिया मुसल्ला मुसल्ला सीन को लाम से मिलाया जिस हरूफ पर भी तशदीद आ जाए उसको दो मरतबा अदा करेंगे मुसलम ताप को फिर लाम्स को लाम से मिलाया उस पर भी तशदीद है उसको भी दो मरतबा अदा करेंगे तुल्ला फिर अलिफ मद्दा बनाया मैंने शीता फी हा फी पे या मद्दा हो रहा है हा पे अलिफ मद्दा हो रहा है और वक़ की सूरत में जब अलिफ मद्दा आ गया तो हम इसको यानी तीन अलिफ यानी छह हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे फीहा इसको बोलेंगे मद्दे आरिज हो गया वक्फ की सूरत में जब अलीफ मद्दा वाह मद्दा या मद्दा आ जाए तो हम उसको तीन अलिफ यानी छः हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और बोलेंगे मद्दे आरिज हो गया को मैंने पूरा दा किया फिर अलिफ मद्दा बनाया लाम को लाम से मिलाया बाकी तमाम दरमियान वाले लफस हमने छोड़ दिए खड़ी जबर है खड़ी जबर जो होती है ये भी हरूफ मद्दा के काई मकाम है इसको भी ये कलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर बढ़ेंगे जी इता ये हमजा साकिन है जज़्म के नीचे छोटा सा हमजा है यहाँ पे झटका देते हैं जी इता बिल बा को लाम से मिलाया हशदीद तो वाला हरूफ जब वक़ की सूरत में आ जाए तो उसको हम उस पर हम उस लफ्ज़ को दो मरतबा भी अदा करेंगे और इधर कलकला भी हो रहा है बिलह फाल को नरमी से अदा किया फैजा बरी खा को अदा किया और फिर वाउ मद्दा बनाया क्योंकि वाउ शॉकिन से पहले पेश आ रही है हा अलिफ मद्दा बनाया व वा को मैंने मंगोल करके अदा पढ़ा अदा किया मा पेलिफ मद्दा बनाया का पेअलिफ मद्दा बनाया दो पे मद्दा बनाया यफलो आइन को हलक से अदा किया लून यफ वक़ की सूरत में वाव मद्दा आ गया तो हम इसको तीन अलिफ़ यानी छः हरकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे यहाँ हम बोलेंगे मद्दे आरिज हो गया ऐसी गाय हो कि ना तो हल में जोई गई हो और ना खेती को पानी देती हो सही हो सालीम और बेदाग हो उन्होंने कहा कि अब आपने ठीक बात कही है चुनाचे उन्होंने इसे झि किया अगरचे वो ऐसा करने के लिए आमादा ना थे तो अल्लाह स्वा... ताला शाना हो मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तोफ़ी का फरमाए